हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले मल्टीपल स्टॉक्स एज वेल एज बात करें जो आज के दिन में जितनी भी चीजें हुई है। बात करें शक्तिकांत दास हमारे जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने जो बोला है, एज वेल एज बात करें कुछ मल्टीपल न्यूज आई है डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड, ओके कुछ कोविड से रिलेटेड न्यूज है, उस सभी चीजों के बारे में हम बात करते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और कल की डेट में हमने काफी सारी न्यूज से रिलेटेड बातें करी थी, काफी सारे स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी। एक स्टॉक जिसने एक दिन में 860% का जंप दिया था, मतलब उसने स्प्लिट देता हुआ नजर आया था, जो कि आपने अलग ही स्प्लिट, मतलब अभी तक हमने स्प्लिट सुना था कि 10 से 2 हुआ, बट यहाँ पर बात है 10 से 100 हो गया। तो इसको भी जरूर देखिए, अडानी गैस और अडानी पोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर Q4 के रिजल्ट आए थे, उससे रिलेटेड आप न्यूज एज वेल एज 4 स्टॉक्स के रिलेटेड बताया था कि इन स्टॉक्स पे नजर रखना जो कि आज भी भागते हुए नजर आए। एज वेल एज बात की है यहाँ पर Q4 के रिजल्ट, यहाँ पर और 4 कंपनी के आए थे उससे रिलेटेड। तो आज के दिन में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो उन चीजों पर उन वीडियो पर भी ध्यान दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपको मैं न्यू बात करें तो बोनस से रिलेटेड बातें करेंगे, एज वेल एज कुछ स्टॉक है जो कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, क्या हमें खरीदना चाहिए उनसे रिलेटेड, तो उन वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा। और हमारे देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप जितनी हेल्प हो सके आसपास के लोगों को जरूर करिएगा। बस कि यहाँ पर लिंक्स दे रखे हैं, अगर आप इनका भी यूज करना चाहते हैं आप कर लीजिए। ये लिंक डोनेशन से रिलेटेड है जो कि आप पीएम केयर फंड में दे सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कराने के लिए। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए आज के दिन में अगर हम देखते हैं निफ्टी 50 स्टार्टिंग में गिरता हुआ गड़बड़ मतलब चरमराता हुआ नजर आया कह सकते हैं, ओके ऊपर ओपन हुआ था बट इसके बाद नीचे कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा था, तो लग रहा था कि आज मार्केट गिरेगी। बट स्टिल अगर बात करें यहाँ पर कुछ शक्तिकांत दास आए, उन्होंने कुछ पॉजिटिव न्यूज बताई और फिर मार्केट आपको भागता हुआ नजर आया, तो उससे रिलेटेड हम बातें इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो ये निफ्टी का हाल था आज के दिन, तो काफी सारे स्टॉक यहाँ पर भागते हुए मिले और कुछ स्टॉक यहाँ पर गिरते हुए मिले। बात कर लेते कोविड की, तो अगर हम बात करते कल, तो कल के डेट में देखिए कोविड के केस फिर बढ़े, 3 मई को 3,54,000 केस के लगभग थे, तो अगर बात करते 4 मई जो कि कल की डेट थी, तो दोबारा 3,82,000 केस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, जो कि अच्छी बात नहीं है कि केसेस हमारे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें सहायता मिल रही है, एज वेल एज हमारे देश के काफी सारे बिजनेसमैन और लोग भी आगे आ रहे हैं और मदद करने को तैयार है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं एफआईज का डाटा, तो आप देख सकते हैं कल के दिन में एफआईज ने अच्छी खासी बिकवाली करी है और पूरे अप्रैल के महीने में भी अच्छी खासी 12,000 करोड़ के लगभग की बिकवाली करी है, ओके तो बट अब डरने की जरूरत नहीं है। देखिए इंडिया का जो भविष्य है, ओके शक्तिकांत दास ने ही बोला है, राकेश झुंझुनवाला ने ही बोला है और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब ने यही बोला है कि इंडिया आगे चल के बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप इन्वेस्टर ही रहिए, आपको बाय एंड डिप्स करने के अच्छे अच्छे स्टॉक्स का मौका मिलता है ऐसे में, तो उन्हें बाय एंड डिप्स करिए और आगे चल के यू विल फाइंड आउट कि आपके जो कंपाउंडिंग हो गया आपके पैसे इतने बढ़ जाएंगे कि अच्छा खासा आपका आप एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। तो इससे रिलेटेड न्यूज थी। एज वेल एज अगर बात करें शक्तिकांत दास जी ने हमारे ने कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कुछ वर्ड्स बोले थे, तो यहाँ पर देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो यहाँ पर उसी न्यूज से यहाँ पर अगर देखे जैसे ही खबर आई उसके बाद यहाँ पर भागता हुआ नजर आया और लगभग 950 रुपये तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया और फिर भी 944 रुपये मतलब 3% से ज्यादा की यहाँ पर बढ़त दिखाई दी थी। उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, एज वेल एज कुछ और बातें कर लेते हैं। तो भेल का स्टॉक आज के दिन में 10% भागता हुआ नजर आया, क्या रीजन था? तो हम रीजन एक ही था, ये 2018 की न्यूज है बट सेम न्यूज आज के दिन यहाँ पर ओपन होती हुई दिखाई दी, डाइवेस्टमेंट ऑफ भेल इक्विटी इन भेल ईएमएल। तो भेल की ईएमएल एक कंपनी है जिसमें जो सब्सिडरी है भेल की, ओके उसमें उनका अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भेल एंड ज्वाइंट वेंचर बिटवीन भेल 51% का यहाँ पर स्टॉक है इन केरला में, मतलब केरला में एक स्टॉक केरला में ये कंपनी नजर आती है। तो आपको बताना चाहता हूं कि ये डाइवेस्टमेंट के लिए जा रही है, तो इसी वजह से ये न्यूज आती ही साथ ओके तो यहां पर 10% की यहां पर जंप आज के दिन में दिखाई दी है। इसके बाद यहां पर आईडीबीआई बैंक में अगर हम बात करें यहां पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बात करते LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों का ही यहां पर अच्छा खासा होल्डिंग है। अगर बात करें 94% की होल्डिंग यहां पर नजर आती है, तो बताना चाहता हूं कि ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC दोनों अपने हिस्सेदार
सारी आईडीबीआई बैंक में से बेचने जा रही है और इसी वजह से आज के दिन में लगभग 5% की यहाँ पर जंप होती हुई नजर आई। और बताना चाहता हूँ काफी बहुत सारे बैंकों से इनकी बातें चल रही है, तो इस बार इस शेयर की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। बाकी इनके रिजल्ट काफी बेहतरीन आया, आईडीबीआई बैंक के देखिए एनपीए घटते हुए नजर आया, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया, तो जो कि अच्छी बात होती है। बात करें टाटा केमिकल से आज एक वीडियो आने वाली है, ओके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम बात करेंगे कि ये शेयर क्यों गिरता जा रहा है। ओके इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर अभी ये बताया कि इस शेयर को चूज किया है, तो आज के दिन में आपको वीडियो आएगी तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा। टाटा केमिकल जो बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरते जा रही है और क्यों गिरते जा रही है उसका हम जवाब देते हुए नजर आएंगे। आईआरसीटीसी भी सेम स्टॉक है, देखिए गिरता हुआ नजर आ रहा है, बट आपको बताना चाहता हूँ वन ऑफ द गुड स्टॉक मुझे जो लगता है मार्केट में, जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न फ्यूचर में देता हुआ नजर आएगा। तो जितना गिर रहा है इसे एक्युमुलेट करने की कोशिश करिए, बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करिए, ओके। और जैसे ही कोरोना खत्म होगा और उस पर ट्रेनें चलेगी, अभी तो मालगाड़ियाँ चल रही है और नॉर्मल ट्रेन चल रही है, बट स्टिल एक बार दोबारा से जैसे एक दो साल पहले चला करती थी ट्रेन, ओके पैंडेमिक से पहले चला करती थी, तो दोबारा ये भागते हुआ नजर आएगा, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट आए हैं और कुछ मेन जो कंपनीज उसके रिजल्ट हम आज देखेंगे, तो उस उन वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। एज वेल एज बात करें वैभव ग्लोबल शेयर्स की, तो आपको बताना चाहता हूं यहां पर ये शेयर स्प्लिट हुआ है, ओके। तो ये यहां पर कल की डेट, मतलब अगर बात करें 7th of May 8:05 है, दो दिन मतलब 7th of May को एक्स डेट है, तो मतलब कल की डेट में आपको शेयर खरीदना होगा तभी जाके आपको स्प्लिट का मजा मिल पाएगा, ओके आपके शेयर स्प्लिट हो पाएंगे। बट आपको बताना चाहता हूँ अभी स्प्लिट का जो फायदा होता है, पहली बात तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स को होता है, और दूसरी बात ये शेयर के प्राइस का ही आप फायदा उठा सकते हैं। एक बार ये स्प्लिट हुआ तो फिर शेयर का प्राइस भी उसी तरीके से गिरता हुआ आपको नजर आएगा, तो इसके रिजल्ट देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। बाकी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर की बात करें तो अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे थे। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब बात कर मेन चीज की और यहाँ पर एक चीज और है, बजाज हेल्थ केयर। तो बजाज हेल्थ केयर एक स्टॉक है इंडियन शेयर बाजार में, तो उसमें कल की डेट की न्यूज है वैसे तो, बट आज की डेट बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने टैबलेट निकाली है फेबी प्रावेर एक जेनरिक दवाई है जो कि COVID-19 ट्रीटमेंट में, मतलब माइल्ड जो कोविड होता है उसमें ये यूज कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर शेयर प्राइस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 587 रुपीज पे शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 490, कल की डेट की अगर बात करें 525 पे शेयर चल रहा था और एक साथ भागता हुआ हमें कल की डेट में नजर आया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज। तो इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए यहाँ पर, बट आपको बताना चाहता हूँ बेहतरीन शेयर तो है बट यहाँ पर गिरावट भी अच्छी खासी होती हुई नजर आती है और स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में आता है। इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो हम डेफिनेटली बनाएंगे एक दो दिन में। अगर बात करें यहाँ पर मेन न्यूज, तो देखिए यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर है जो ओके शक्तिकांत दास जी ने, आप जानते ही हमारे देश के गवर्नर है, तो इन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर सब कुछ पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड बातें करते हुए, ये मीटिंग थी जो अर्जेंट बेसिस पर मीटिंग थी, क्योंकि कल की डेट में अगर बात करें तो शेयर बाजार गिरता हुआ नजर आया। क्यों गिरता हुआ नजर आया? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट अगर हम बात करते हैं कल की डेट में, तो कल की डेट में यहाँ पर था ओके फिर गिरता हुआ अच्छा खासा नजर आया था। क्यों? क्योंकि जो बैंक थे उन्होंने कहा था कि हमें लोन मोरेटोरियम 3 महीने का एटलीस्ट दीजिए, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने आज यहाँ पर बैंकों ने कल मांगा, आज हमारे शक्तिकांत दास सामने आए, उन्होंने काफी सारी चीजों से रिलेटेड बातें करी। और किन किन चीजों से रिलेटेड बातें करी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो उन्होंने देश के कोरोना और उसमें जो भी प्रदर्शन जो भी कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड बातें करी और बताया कि किस तरीके से काला बाजारी हो रही है, ओके कुछ मेडिसिन है उससे रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर दूसरी लहर ने किस तरीके से इकोनॉमिक को आघात किया है उस चीज को रिलेटेड, और दूसरी कोविड किस तरीके से पहली कोविड से अलग है, और इसके अलावा कुछ और बात करी कि इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है और देश की अर्थव्यवस्था आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ओके और हमारी जो अर्थव्यवस्था है दूसरी सारी कंट्रियों से सबसे अच्छी है और फास्टेस्ट है, तो आप डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर बात करें कुछ और चीजों से लेकर उन्होंने बात करी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एक्सपोर्ट वगैरह होता हुआ नजर आया, या भारत रेलवे में जो मालगाड़ियाँ चलती हुई नजर आई माल भाड़े में, यहाँ पर सब चीज़ में बढ़ोतरी हुई थी नजर आई। बाकी उन्होंने बताया कि दाल वगैरह या फिर तिलहन वगैरह जो भी हमारी FMCG सेक्टर है वहाँ पर इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आया, मतलब खाने पीने की चीज़ में। और उन्होंने बताया कि मानसून अच्छा आने वाला है और ये जैसे ही मानसून वगैरह आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें कम होती हुई नजर आएगी, तो उन्होंने इसी से रिलेटेड बातें करी। बाकी उन्होंने और भी चीज़ों से बातें करी है,
उन्होंने हमारे डॉक्टर नर्स और जो भी पुलिसकर्मी है उन्हें सबको धन्यवाद किया है, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर छोटे उन्होंने छोटे जो अगर बात करें इंडिविजुअल्स या छोटे कर्जदार है उनके लोन रीस्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें करी, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपये ओके 25 करोड़ रुपये तक के ऐसे कर्जदार जिन्होंने अपने लोन रीस्ट्रक्चर की सुविधा नहीं ली थी ओके वह इस बार लोन रीस्ट्रक्चर मतलब जिन्होंने पहले लोन रीस्ट्रक्चर जिन 25 करोड़ रुपये से नीचे जिन्होंने लोन ले रखा है और उन्होंने पहले लोन रीस्ट्रक्चर से रिलेटेड इसका फायदा नहीं लिया था वो इस बार ले सकते हैं और उन्हें इस चीज़ का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। एक चीज ये एज वेल एज बात करें उन्होंने जो भी हमारे वैक्सीन या फिर फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स बनाती हुई कंपनी नजर आती है ओके हेल्थ सर्विसेज से जैसे हॉस्पिटल्स हो गए ओके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो गए उनके लिए 50,000 करोड़ रुपये यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की भी यहाँ पर घोषणा की है। और अगर बात करें यहाँ पर इसी वजह से आज सारे के सारे हेल्थ केयर से रिलेटेड सारे के सारे स्टॉक भागते हुए नजर आए थे। इसके अलावा और बात करें उन्होंने यह भी किया कि 35,000 करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटी का खरीद मतलब सरकारी जो सिक्योरिटीज होती है ओके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो 35,000 करोड़ रुपये की 20 मई से दूसरे चरण में यहाँ पर खरीदेंगे आरबीआई खरीदेगी। एज वेल एज अगर बात करें राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा भी यहाँ पर दी गई है जिसकी सुविधा अवधि बढ़ाकर 50 दिन कर दी है और पहली इसकी अवधि 36 दिन थी ओके मतलब 50 दिन के अंदर यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा में बढ़ाया गया है। और अगर बात करें आरबीआई गवर्नर ने कहा कि प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कोविड लोन बुक बनाए जाएंगे अगर जो जैसे कि काफ़ी सारे जैसे कि मैंने आपको बताया था छोटे छोटे जो कंपनीज है या फिर मजदूर है या फिर दुकानदार है वो लोन नहीं दे पा रहे हैं इसलिए बैंकों ने लोन मोरेटोरियम के लिए कहा था बट उन्होंने लोन मोरेटोरियम नहीं दिया बट उन्होंने कहा है कि एक लोन बुक बनाइए ओके कोविड लोन बुक के नाम से उसे नाम दिया जाएगा और उसमें सब चीज़ से रिलेटेड बातें की जाएगी और यहाँ पर देख सकते हैं कोविड के बराबर रकम रिजर्व बैंक के पास पार कर सकते हैं। इसके बदले बैंकों को रेपो रेट से 40 आधार अंक ज़्यादा ब्याज मिलेगा मतलब उन्होंने जो रेपो रेट है उसे चेंज कर दिया है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो यहाँ पर बैंकों को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बात करें केंद्रीय बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए तक के स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की घोषणा की है ओके और 10,00,000 रुपए तक के लोन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा नई केवाईसी बनाई गई है कि वीडियो केवाईसी करके ओके आप 10 मतलब लोगों को जिन्हें स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है या फिर छोटे बैंक है मतलब जो भी है उन्हें 10 छोटे छोटे जो दुकानदार हैं या जिन्हें लोन की जरूरत है 10,00,000 रुपए तक का लोन आप इजिली दे सकते हैं। उन्होंने दोबारा इस चीज को बताया 10,000 करोड़ रुपए तक का है ये सभी के लिए। गवर्नर ने साथ में यह भी कहा कि देखिए जो मैंने आपको बताया वीडियो केवाईसी मतलब आप वो फॉर्म करेंगे वीडियो में देखेंगे एज वेल एज आपके आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब चीज आपने एड भी देखा होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो कि आपने अनुष्का शर्मा की एड है सेम उसी तरीके से आप सीधे केवाईसी करा सकते हैं। तो इसी चीज से रिलेटेड यह वीडियो थी ब्रेकिंग न्यूज थी कुछ इसी वजह से मार्केट भागती हुई नजर आई आज और अच्छी बैंक सेक्टर में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में केमिकल सेक्टर में यहाँ पर भागते हुए ये शेयर नजर आए थे। इसी चीज से रिलेटेड वीडियो थी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और इस चीज का फायदा आप टेंशन मत लीजिए ये मार्केट ऊपर ही जाने वाली है नीचे नहीं आने वाली और नीचे आएगी भी तो वो आपका मौका होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे लाते रहे। सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस।